हेलो एवरीवन, आई एम लतीफुल्ला और आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से मैं देखता आ रहा हूँ यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हमारे कुछ भाई है शाम इदरीस एंड डकी भाई, जो आपस में काफ़ी पर्सनल हो गई है एंटरटेनमेंट को लेके। तो बेसिकली हमारा मकसद यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर एंटरटेनमेंट का होता है, लेकिन अगर हम इस तरह पर्सनल होते जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि फिर लोग हमारे एंटरटेनमेंट को एंजॉय करेंगे। और जो बाहर की दुनिया है वहाँ पर ये सवाल उठाएंगे, वहाँ पर ये उंगलियाँ उठाएंगे कि देखो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है, पाकिस्तानी एंटरटेनर्स है, वो इस तरह के काम करते आ रहे हैं, तो वाई शुड वी फॉलो हिम। तो चाहिए हमें ये कि हमें जोक्स और एंटरटेनमेंट को बस एंटरटेनमेंट तक ही लेना चाहिए, इतना पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम पर्सनल होते हैं तो इसमें हमारा ही नुकसान है। अभी देखे डकी भाई ने कोई वीडियो बना भी ली तो शाम इदरीस को वो हटानी नहीं चाहिए थी यूट्यूब से। अब अगर हटा भी दी तो डकी भाई को फिर इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए था कि अभी तो हमारे दरमियान वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, अभी तो हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और शाम इदरीस उधर से सामने से कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो दिस इज़ लाइक जो बच्चे नहीं करते बस एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। तो मेरा तो पर्सनल यही ओपिनियन है कि हमें ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा करनी चाहिए कि हमारे फैंस जो है, जो हमारे फॉलोअर्स है, वो इसे सोचे कि बस ये अभी एंटरटेनमेंट नहीं रहा, इन दोनों का पर्सनल का मसला है, इन सब का पर्सनल का मसला है, बस ये दोनों आपस में लड़ते रहे। तो चाहिए कि हम जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों से निकल जाए। और अगर ये वीडियो शाम और डकी भाई तक पहुंचती है तो मैं इन दोनों से ये कहूँगा कि इट्स बेटर कि आप दोनों एक दूसरे के साथ सुलह कर ले और जो बात है वो एक दूसरे से मतलब ख़त्म ही कर दें, क्योंकि आपके जो फॉलोअर्स है वो आपको इसलिए उन्होंने फॉलो किया है जो आपके फैंस है, क्योंकि आप एंटरटेनमेंट करते हैं और उनको आपका एंटरटेनमेंट पसंद है। लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ आप पर्सनल होते हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि लोग फिर उसी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी वीडियोस को एंजॉय करेंगे और आपके एंटरटेनमेंट को एज एंटरटेनमेंट वो लेंगे। तो चाहिए हम सबको कि हम इस तरह के पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करें, ना कि हम दुनिया को दिखाएं कि हम किस तरह लड़ सकते हैं, हम किस तरह एक दूसरे को गिरा सकते हैं। तो लास्ट में यही कहूँगा कि बस पर्सनल क्यों होने की ज़रूरत नहीं है, एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट कंसीडर करना चाहिए। एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अब अगर ये वीडियो आप लाइक करते हैं तो लाइक करें, ना करना है तो ना करें, सब्सक्राइब भी करना है तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर शेयर हो सके तो अच्छा होगा ताकि वो ये वीडियो देख सके जो हमारी भाई है और जिनमें मसला चल रहा है, ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि वो एंटरटेनर्स है और लड़ने की ज़रूरत नहीं है, एंटरटेनर्स वो रहेंगे, इस एंटरटेनर्स वो रहेंगे तो उनके लिए भी अच्छा है और उनके फैंस भी उनसे खुश होंगे। तो अल्लाह हाफिज़।